कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री को खरी खोटी सुनाई और यही हाल उनकी सरकार के समय था कि वो एक दूसरे की लड़ाई के चक्कर में हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज हो, स्पाइस पार्क हो, बाकी सुविधाएं हो, उन सबको छीनने का प्रयास किया गया तो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के करके। हमने पहले ही अपनी उपलब्धियां इतनी बता दी जो 70 साल में कोई नहीं कर पाया, वो 4 वर्षों में किया तो कांग्रेस में दम ही नहीं आगे आने का। कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी है और मैं तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, अगर 3 जिलों के लिए रेलवे लाइन मंजूर करवाना, नंगल ऊना तरवाड़ा जो 44 साल में नहीं बन पाई थी, हमने हिमाचल का पूरा काम लगभग करवा लिया है, मात्र 8 किलोमीटर शेष बचते हैं उनके लिए जमीन अधिग्रहण हो गया, 80 करोड़ रुपया मंजूर हो गया, ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन 250 करोड़ रुपये की मंजूर हो गई, भनुकली बिलासपुर पर काम शुरू हो गया, 120 करोड़ की वहाँ की सैंक्शन हो गई, 102 करोड़ इस साल ऊना हमीरपुर के लिए सैंक्शन हो गया, 24 नेशनल हाईवे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए, इसके अलावा एम्स अस्पताल, PGI अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये सारे बड़े प्रोजेक्ट हैं हजारों करोड़ के, छोटों की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा। स्थानीय विधायक बार बार सुजानपुर की डेवलपमेंट का रोना रो रहे हैं और आप से गैर मौजूद हैं इस फंक्शन से, इस बारे में देखिए कुछ लोगों का काम रोने का होता है, रोते रहेंगे, दुनिया आगे बढ़ेगी, हिमाचल को आगे बढ़ना है, किसी को रोना तो रोता रहे, हिमाचल आगे बढ़ने का नहीं। सुजानपुर विधानसभा के विधानसभा क्षेत्र के डेवलपमेंट के ऊपर आपका क्या कहना? सुजानपुर जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस ने अनदेखी की, इन 5 वर्षों में वो अनदेखी नहीं होगी। पिछले 5 वर्षों में भी कांग्रेस के लोग पूर्व की प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार के दिए हुए करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट के ही उद्घाटन करते रहे, स्वयं तो नए प्रोजेक्ट ला नहीं पाए, इसलिए ये स्पष्ट है कि कुछ लोगों को रोने की आदत है, रोते रहेंगे, रोने से कुछ नहीं होता, काम करने से विकास होता है।